संक्रीत लगाई का हमारा सेकेंड एपिसोड। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि पवन सिंह और अक्षराज सिंह की लाइफ में आगे क्या हुआ और कैसे वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए। काव्या के प्रेम में पवन एक तरफ थे तो वहीं उनकी दूसरी पत्नी नीलम जो मात्र 21 साल की थी वो आरा गई हुई थी बीए पार्ट 1 की एग्जाम देने। बिहार से लेने भी पवन सिंह नीलम को गए थे, पर कहां तो ये नीलम सोच रही थी कि उनके साथ पवन के रिश्ते इस बार बेहतर होंगे, लेकिन शायद तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। आरा से मुंबई आने के वह 6 दिन बाद ही नीलम ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो अपनी वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा के जीवन में भी कम उथल पुथल नहीं मची हुई थी। जैसे ही खेसारी की पत्नी को अक्षरा और खेसारी के प्रेम संबंधों के बारे में पता चला, वो सीधे बिहार से मुंबई आ गई और फिर खेसारी के जीवन से अक्षरा को निकाल फेंका। खेसारी के जीवन में अब अक्षरा सिंह की वापसी असंभव हो। एक तरफ पवन पत्नी की मौत को भुला नहीं पा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अक्षरा भी अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े समेटने में जुटी हुई थी। यही वो टाइम था जब ये दोनों एक रोमांटिक पेयर में आ रहे थे। फिल्म का नाम था ठोक देव और फिल्म आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उसके कुछ शॉट और सीन बाकी थे जिसे शूट करना अभी बाकी था। इसी फिल्म के कुछ बचे हुए सीन को फिल्माने के लिए पवन अक्षरा फिर मिले और अब ये दोनों जो मिले, फिर इनके प्रेम की एक नई कहानी शुरू हो गई। और अब ये मुलाकात ऑर्डिनरी वाली नहीं थी, कुछ स्पेशल वाली थी। और इस बार पवन अक्षरा का मिलना उन्हें काफी लंबे समय तक याद रहने वाला था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकी प्रेम कहानी की। अब तो हर जगह पवन के साथ अक्षरा धीरे धीरे नजर आने लगी थी। फिल्में हो, स्टेज शो हो, एल्बम्स हो, हर जगह अक्षरा की मौजूदगी साये की तरह पवन के साथ रहती और पवन भी उनकी कंपनी को खूब एंजॉय करते। कहीं न कहीं पवन मन बना चुके थे कि वो अक्षरा को अपना जीवन साथी बनाएंगे, लेकिन पवन को इसकी कहां परवाह। पवन ये नहीं चाहते थे कि अक्षरा उनसे दूर रहे। अक्षरा को वो नाम देना चाहते थे जिसे वो दुनिया के सामने बताना चाहते थे कि पवन अब पवन अक्षरा दो अलग नहीं, एक हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पवन की माँ और पवन का परिवार दोनों नहीं चाहता था कि अक्षरा सिंह उनकी वाइफ बने। पवन की शादी भले ही अक्षरा से नहीं हुई थी, लेकिन पत्नियों वाला पूरा कर्तव्य अक्षरा उनके साथ निभाती। अगर पवन के साथ वो बाहर कहीं शूटिंग करती, उनके सुबह के खाने से लेकर उनके रात तक के खाने तक का क्या हिसाब होगा, वो कब खाएंगे, कब नाश्ता करेंगे, कब उठेंगे, कब उन्हें क्या चाहिए, ये अक्षरा को भली भांति पता था। कहा तो ये भी जाने लगा था कि जब भी किसी भी स्टेज शो या फिल्म की शूटिंग में ये दोनों बाहर जाते तो कमरा भी ये दोनों का एक ही रहता। जब भी किसी स्टेज शो में पवन सिंह अक्षरा को इंट्रोड्यूस भी करते तो वो दर्शकों को अक्षरा को अपनी पत्नी के रूप में ही इंट्रोड्यूस करवाते, यानी कि दर्शकों को ये कहते, ये देखिए आपकी भाभी हैं ये। लेकिन परिवार को ये सारी बातें कहीं न कहीं खटकती। साथ ही खेसारी लाल यादव को भी पवन और अक्षरा का ये साथ जरा भी नहीं सुहाता। पवन और खेसारी के बीच भी दुश्मनी अक्षरा की वजह से ही पनपी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, हवाएं कब अपना रुख बदल दे ये कोई नहीं जान सकता। पवन और अक्षरा के प्रेम पर भी ये कहावत सबसे फिट बैठती है, इनके प्यार को नजर लग गई। पवन जहां अक्षरा के साथ मन बना चुके थे शादी करने का, वहीं इस स्टोरी का क्लाइमेक्स तो कुछ और ही लिखा था। इसी बीच पवन के पिता की मृत्यु हो गई और पवन अपने गाँव आरा चले गए, लेकिन यहाँ भी अक्षरा सिंह उनके साथ ढाल की तरह खड़ी रही। लेकिन पिता के जाने के बाद माँ अकेली हो गई, ये पवन को बखूबी पता था। और पवन की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी माँ ही है। माँ जानती थी कि जिस दिन वो जिद पर आ गई, उनका लाडला बेटा उन्हीं की मानेगा। और कहीं न कहीं दूसरी तरफ पवन अक्षरा को ये दिलासा देते रहे कि उनके रिश्ते का एक मुकम्मल जहां होगा।
लेकिन कहीं न कहीं पवन सिंह ये भी जानते थे कि माँ और परिवार को मनाना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होगी उनके लिए। पवन ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की और पवन की माँ तो जैसे अड़ ही गई थी कि वो अक्षरा सिंह को बहू का दर्जा अपने घर में तो नहीं देंगी। और फिर अंत में वही हुआ, माँ टस से मस नहीं हुई और फिर अंत में वही हुआ जो पवन अक्षरा के चाहने वाले कभी नहीं चाहते थे। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि पवन अक्षरा को छोड़ देंगे और माँ की पसंद की लड़की से शादी कर लेंगे। चौंकाने वाली बात तो ये थी, ये दोनों साथ में स्टेज शो किए और पवन सिंह अपने घर आरा चले गए। आरा जाने के बाद पवन की माँ ने आनन फानन में पवन की शादी तय कर दी। शादी की पिक्चर्स देख के ही लगता है कि पवन सिंह इस शादी के लिए तैयार नहीं थे और ज्योति सिंह से उन्होंने ब्याह रचा लिया। शादी वाला जहर का घूंट तो अक्षरा ने पी लिया, लेकिन अक्षरा का सब्र का बांध तब टूट गया जब पवन की बेवफाई उनके सामने नजर आई। जी हाँ, पवन के साथ वो सिलवासा में अपनी फिल्म माँ तुझे सलाम की शूटिंग कर रहे थे। भले ही पवन की शादी ज्योति से हो गई थी, लेकिन शादी के बाद अक्षरा सिंह के साथ स्टेज शो उनका बदस्तूर जारी था, उनकी फिल्में बदस्तूर जारी थी। लेकिन सिलवासा में अक्षरा और पवन के बीच जमकर लड़ाई हुई, लड़ाई भी ज्योति सिंह को लेकर हुई। और अब कहीं न कहीं अक्षरा सिंह तो पराई हो ही चुकी थी पवन सिंह के लिए। पवन सिंह कहीं न कहीं ये भी जानते थे कि काम आएगा तो उनका परिवार उन्हें, अक्षरा सिंह को वो इस रिश्ते का नाम क्या दे वाली स्थिति हो गई थी। शादी तो वो ज्योति से कर ही चुके थे, अक्षरा सिंह को तो वो किस रूप में अपनाए। जमाना उनसे हर बार यही सवाल करता, इसका जवाब शायद खुददार पवन सिंह नहीं दे पाते। ये सवाल अक्षरा सिंह भी शायद उनसे पूछ बैठी। और उसी होटल में अक्षरा और पवन के बीच इतनी लड़ाई हुई कि पवन ने अक्षरा पर हाथ उठा दिया और अब अक्षरा की सारी हदें पार हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि ये पहला वाकया था जब अक्षरा सिंह पर पवन सिंह ने हाथ उठाया था, लेकिन तब अक्षरा सिंह के जीवन में ज्योति सिंह नहीं थी। सिलवासा वाले झगड़े के बाद पवन और अक्षरा के बीच वो दूरियां आई जो अब कभी नहीं मिट सकती। और भोजपुरी सिनेमा में एक खूबसूरत प्रेम कहानी का अंत इस तरह हो गया। धीरे धीरे इन दोनों ने अपनी राहें बिल्कुल अलग कर दी। पवन ने जितनी भी फिल्में अक्षरा के साथ साइन की थी, सभी में से उन्होंने अक्षरा को निकलवा दिया और अक्षरा सिंह ने भी अपना स्वाभिमान का दामन थामा। पवन के दरवाजे वो फिर कभी नहीं गई। हाँ, लेकिन कभी कभी अक्षरा सिंह मीडिया में आकर ये जरूर कह देती हैं कि उन्हें जीने नहीं दिया जा रहा है। वो अब उनके लाइफ से तो पूरी तरह से हट चुकी हैं, लेकिन अब उन्हें उनसे क्या चाहिए वो खुद नहीं समझ सकती। पवन का नाम लिए बगैर अक्षरा सिंह बहुत सारी बातें, बहुत सारे इल्जाम कह जाती है, लेकिन पवन का नाम नहीं लेती। पवन और अक्षरा भले ही इस रिश्ते से अब बाहर आ चुके हों, लेकिन इनके चाहने वाले आज भी इन्हें पहले पर्दे पर देखना चाहते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।